अच्छा हुसैन भाई, आपने सोलर पैनल के बारे में, इन्वर्टर के बारे में तो बता दिया, लेकिन उसकी एक्सेसरी जो होती है उसके बारे में थोड़ा गाइड करें। आपके पास है कौन कौन सी है, क्या क्या चीज़ उसमें लगती है, थोड़ा बताएं मुझे। तो देखिए, एसेसरीज़ के नाम में दो हिस्सों में लेते हैं। एक तो है स्विच गियर के अंदर, ठीक है। स्विच गियर के अंदर हमारे पास तमाम इक्विपमेंट मौजूद हैं जो कि सोलर पैनल में लग सोलर सिस्टम के अंदर लगते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एसी ब्रेकर, डीसी ब्रेकर, एसी एसपीडी, डीसी एसपीडी और एसी बीज हो गए, एमसीसी बीज हो गए, ठीक है। मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, और आपके आ जाते हैं दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, कनेक्टर्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें होती हैं। जो मेन अभी एक नया फोकस आया हुआ है कि स्विच गियर का इक्विपमेंट तो लोगों के पास मिल जाता है, ठीक है। एक्सपेक्ट सही डीसी ब्रेकर, डीसी ब्रेकर भी नहीं मिलते, लेकिन होगा तो हम आपको दिखाएंगे डीसी ब्रेकर के कुछ टाइप्स। लेकिन अभी इस वक्त जो हम लोगों ने चीज़ फेस की है वो ये कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स अभी मौजूद हैं, क्योंकि सोलर नेटवर्किंग के अंदर ज़रूरत पड़ती है दो पैनल को आपस में जोड़ने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो टूल इस्तेमाल होते हैं वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, ठीक है। वायर के साथ जोड़ लगा दिया जाता है, जो कि एक अनप्रोफेशनल वर्क है और ये रिकमेंडेड कहीं से भी नहीं होता, ठीक है। तो सही उस बुनियाद के ऊपर हमने इंटरनेशनल जो हमारे सप्लायर्स हैं उनसे रابطہ किया, और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ये इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं और इनसे जो काम होता है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्क होता है और सोलर इंडस्ट्री के अंदर, वो कितना प्रॉपर होता है, ठीक है। और आपके लॉसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका सिस्टम है उसकी लाइफ है करीबन 12 साल, 25 साल। तो आपकी जो इक्विपमेंट जो लगेंगे नेटवर्किंग के अंदर, उनकी भी लाइफ जो है ना 12-15 पच्चीस पच्चीस साल होनी चाहिए, ज़रूरी है, लाजिम है, ठीक है। अगर नहीं होगी तो वो फिर पूरे सिस्टम की लाइफ को इम्पेक्ट करता है सिर्फ एक इक्विपमेंट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मौजूद हैं उनकी लाइफ, हमने सबसे पहले तो हमने क्वालिटी को कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो हमारे सप्लायर थे उन्हीं से हमने कहा कि भाई जो आपके पास प्रोडक्ट हैं, जो आप ख़ुद रिकमेंड करते हो, ख़ुद इस्तेमाल करते हैं, या आपके ख़ुद के जो प्रोडक्ट्स हैं वही हमें दें, ताकि हम उन्हीं को ही आपके सिस्टम के साथ लगाएं, ताकि किसी भी किस्म का वारंटी इशू, प्लांट की जो वारंटी बेस है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। सही, ठीक है। तो ज़रा बताएं क्या क्या चीज़ मुझे बताएं। देखिए, हमारे पास जो मेन इक्विपमेंट होता है, हमारा जो सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम है, ठीक है, वो है आपका DS4 कनेक्टर, ठीक है। ये बेसिकली हमारे जो सप्लायर है ट्रीना, उन्हीं की तरफ से रिकमेंडेड है, ठीक है। और ये है IP68, ठीक है। नॉर्मली आपको मार्केट में मिलेंगे IP65, जो कि कहने के होते हैं, ये IP68 है, यानी कि उससे भी थोड़ा आगे है, ठीक है। और ये वाटर प्रूफ है, यानी कि इस कनेक्शन को अगर पानी के अंदर किया जाए तो ये आपका लीकेज कहीं से भी नहीं होगी, और इसकी लाइफ जो है वो 10-10, 15-15 साल है, क्योंकि यही जो कनेक्टर है ट्रीना के जितने भी सोलर पैनल आते हैं उनके पीछे सेम ये कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने ये कनेक्टर लेकर आए पाकिस्तान के अंदर और हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा फीडबैक है और बहुत ज़्यादा इसको लोग पसंद भी करते हैं, और वन अगर कोई परचेज़ करता है तो वो बार बार आता है। सही, ये जो कनेक्टर है इसके अंदर जो वायर लगता है वो 4-6 mm की इसकी कैपेसिटी है वायर की, और 41 एम्पेयर तक ये अपनी बेयरनेस रखता है, यानी कि एम्पेयर इसकी कैपेसिटी है, एम्पेयर की कैपेसिटी, ठीक है। IP68 है, TUV सर्टिफाइड है, RU सर्टिफाइड है, DERK ये ड्रग सर्टिफिकेट होता है, ये चाइनीज़ सर्टिफिकेट होता है, उससे भी सर्टिफिकेशन है, ठीक है। प्योर कॉपर है, और 10 प्लेटेड इसकी पिन्स होती हैं, जो कि हम आपको दिखाते हैं, ये इसकी 10 प्लेटेड कॉपर की वो पिन्स हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट पिन के अंदर हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर हमारे पास एक और आता है जो कि हार्ड पिन में होता है, ठीक है, यानी कि सॉलिड पिन में होता है, और ये 10 mm की वायर के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। 10 mm की जो वायर लगती है, अभी नॉर्मली आप मार्केट में देखेंगे तो आपको सिर्फ 6 mm तक वायर तक मिलेगा, लेकिन ये वायर थे हमारे पास जो कि 10 mm के वायर तक को सपोर्ट करता है, और ये सॉलिड पिन के अंदर आते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आता है इसी का ही एक टूल, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पिनर। आपके जब ये कनेक्टर लॉक हो जाता है तो ये स्पिनर आपका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि आपने इसको यूँ यहाँ पर क्लिप करना है, पीरियड, ये आपने क्लिप कर दिया और आपने इसको यूँ रिमूव कर देना है, ठीक है। यानी बड़ा आसान है, इसको एक बार आपने इसको क्लिप कर दिया, ये बंद हो गया, ठीक है। जब आपने इसको रीओपन करना है, आपने यूँ करके यूँ खोल दिया, ये दोबारा रीओपन हो जाता है, ठीक है। इसी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा होता है टाइटनिंग करने के लिए, यानी कि अगर आपको इसको टाइट करना है तो आपने इक्विपमेंट एक यूँ रखना है, एक आपने यूँ रखना है, और ये यहाँ से टाइट हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, लोगों के हाथों में दर्द हो जाते हैं, तो ये टूल हमने मुतारिफ़ करा हुआ है जिसके अंदर आपको आसानी हो जाती है इसको टाइट करने के लिए। इसके अंदर एक और फंक्शन है, वंस ये अगर बंद हो जाए, ये चीज़ अगर वंस अगर बंद हो जाती है, फिर इसके बाद आप रीओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये
वन टाइम कनेक्शन है, ठीक है। और ये एक बार कनेक्शन हो जाए तो इसके अंदर किसी भी किस्म का वाटर ड्रॉप, मॉइस्चर वगैरह कोई इसके अंदर इंटर नहीं होता, क्योंकि ये IP68 है। सही। दूसरी जो चीज़ है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम, ये इनलाइन फ्यूज़ होते हैं, यानी कि आपकी एक तार आ रही है, ठीक है, उस तार के दरमियान में आपको फ्यूज़ लगाना है, यानी कि अगर स्पेस नहीं है DB बॉक्स के अंदर, तो ये इनलाइन फ्यूज़ होता है कि ये इसके अंदर एक फ्यूज़ इनबिल्ड होता है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग इस तरह की होती है, ठीक है, दीवान की पैकिंग के अंदर होता है। ये भी TUV सर्टिफाइड है, RTU DK, और ये भी ट्रीना के साथ रिकमेंडेड है, ठीक है। और ये फ्यूज़ की इस तरह पैकिंग में मौजूद होता है, और जब हम इसको खोलते हैं तो उसके अंदर से एक फ्यूज़ निकलता है जो कि 1000 वोल्ट का फ्यूज़ होता है। इसके अंदर हमारे पास 1500 वोल्ट के फ्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये वंस आपने इसको यूँ आपने क्लोज़ कर दिया और ये आपके पैक हो गए। एक आवाज़ आएगी टिक करके आवाज़ आ गई, यानी अब ये क्लोज़ हो गया। अब आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं यूँ, और सेकंड साइड से आपने यूँ कनेक्शन कर दिया। अब ये आपकी एक लाइन के अंदर, यानी दो वायर्स यहाँ से आ गई और ये दरमियान में ही अटैच हो गया, ठीक है। तो इस तरह के ये कनेक्शन है बॉक्स हैं, ठीक है। इसको अभी आपने रीओपन करना है तो आपने सिंपली इसके अंदर एक वर्ट करना है, इसको ऑन कर लेना है। इसको आपने निकाला, ये होके बाहर आ गया। बिल्कुल आसान है कनेक्शन करना, और ये तमाम के तमाम कनेक्शन वाटर प्रूफ है, IP68 है। तीसरे आपका ये होता है हमारे पास वायर कनेक्टर, जो कि सॉलिड पिन हार्ड वन पीस में आता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ वो वायर कनेक्टर होता है ताकि आपको एक स्ट्रिंग से दो स्ट्रिंग करनी हो। इसी के अंदर हमारे पास वायर कनेक्टर है, यानी कि वायर के थ्रू आपके वायर कनेक्टर है, और ये भी सेम ही कनेक्टर इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंदर जो वायर इस्तेमाल किया है 1500 वोल्ट तक बेयर कर सकता है, और ये जो कनेक्टर है इसकी जो कैपेसिटी है वो DC 1500 वोल्ट है, ठीक है, यानी 1500 वोल्ट तक आप इसके अंदर सिस्टम अटैच कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है ये फ्यूज़ेस, ठीक है। ये 1000 वोल्ट के फ्यूज़ेस होते हैं। फ्यूज़ की जो प्रोटेक्शन होती है वो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है और एम्पियर प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है। इसके अंदर 1000 वोल्ट का फ्यूज़ लगा होता है और ये आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा होता है ओवर एम्पियर से, ओवरलोड से, और साथ ही साथ ओवर वोल्टेज से, ठीक है। कैपेसिटी इसकी है 20 एम्पियर, और 30 एम्पियर की इसकी बेस है। और ये जो फ्यूज़ है ये TUV सर्टिफाइड है, CE सर्टिफिकेशन है, और UL सर्टिफिकेशन भी है इसके पास, ठीक है। तीसरी जो आइटम है हमारे पास वो आती है 1500 वोल्ट के अंदर, ठीक है। 1500 वोल्ट के फ्यूज़ ही हैं, ठीक है, सेम इसके अंदर 1500 वोल्ट का फ्यूज़ लगा हुआ है। ये भी TUV सर्टिफिकेशन के साथ है, ठीक है। इसकी बेस आपको मिलेगी और इसके अंदर इंडिकेशन भी मिल रहा होता है कि अगर फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो ये इंडिकेट कर देता है कि बाहर से ही कि भाई आपका फ्यूज़ उड़ चुका है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर। वजह ये है कि अगर आपने ये सिस्टम के इस्तेमाल नहीं की तो मोर देन 20% आपके जो लॉसेस हैं ना वो जनरेट होंगे, लूज़ कनेक्शन मॉइस्चर की वजह से, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर कनेक्शन फैक्टर्स आ जाते हैं, आपके नेटवर्किंग फैक्टर आ जाते हैं उसकी वजह से, और आपका काम भी आसान होता है इन चीज़ों से, यानी कि कभी भी आपने ऑन कर लिया, अब उसके अंदर अगर आपने जॉइंट लगाया हुआ है तो आप उसको खोलना पड़ेगा और सब खोलना पड़ेगा, तो ये आपके लिए आसानी पैदा करता है, और साथ साथ आपके प्लांट की एफिशिएंसी भी 10% इंक्रीज़ कर देता है। सही सही, ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, फिर तफसीली मालूम दी। ओके सर, मिलते हैं फिर किसी नई मालूमती वीडियो में।